Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S. K. Sinha. Hello friends, कैसे हैं आप सब? I hope कि सब अच्छे होंगे. तो friends, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल MIS India सब्सक्राइब नहीं किया है तो first of all subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको हमारे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे. मैं एस के सिन्हा, MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्म से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम भी टेन टाइम्स क्वेश्चन पेपर में आ चुका है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में. ओके तो स्टूडेंट्स, क्या आप ये क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? ओके तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म से. एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. आइए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास, रिड्यूस 3x² प्लस 3z² प्लस 4xy प्लस 8xz प्लस 8yz इनटू कैनोनिकल फॉर्म. देखिए स्टूडेंट्स, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, करते हैं, मजा आ जाएगा. ओके तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको गिवन है. तो हमारा सबसे पहले मेन पर्पज क्या है क्वेश्चन में बताइए स्टूडेंट्स, कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? मैट्रिक्स फॉर्म में. और मैट्रिक्स फॉर्म के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है अभी. ओके वो फार्मूला क्या है, सबसे पहले मैं आपको लिए वो फार्मूला ही लिख देता हूँ ताकि आपको रिमाइंड रहे कि हाँ सर, हमने इसको ऐसे कन्वर्ट करना है. देखिए फ्रेंड्स, क्या है, कोफिशियंट ऑफ x² 1/2, कोफिशियंट ऑफ x1 x2 1/2, कोफिशियंट ऑफ x1 x3 ओके, कोफिशियंट ऑफ 1/2, कोफिशियंट ऑफ x2 x1 ओके, एंड कोफिशियंट ऑफ x² 1/2, कोफिशियंट ऑफ x1 x2 x3 ओके, 1/2 कोफिशियंट ऑफ x3 x1 ओके, 1/2 कोफिशियंट ऑफ x3 x2 एंड कोफिशियंट ऑफ x3 square. देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फार्मूला है, दिस इज रूल्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म. ओके तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करते हैं. सो नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन प्लीज, द क्वाड्रेटिक फॉर्म कैन बी रिटन एज द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म कैन बी रिटन एज x'ax इस फॉर्म में, x'ax वेयर x' इज इक्वल टू xyz. थ्री वेरिएबल स्टूडेंट्स आपके पास. ओके अब देखिए, ये जो हमारे पास फार्मूला गिवन है, इस फार्मूले से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे हमने बनानी है. देखिए स्टूडेंट्स, अब आप इसको ध्यान दीजिए, यहां पे ये आपने नोट कर लिया स्टूडेंट्स. ओके चलिए, आपने ये नोट कर लिया है तो मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं. देखिए ओके ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे लिखता हूं. देखिए, 3x1² प्लस 3, अब यहां पे आप ऐसे लिखिए, सबसे पहले रफली आप नोट कर लीजिए इसको, x इज इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू x2 एंड z इज इक्वल टू x3. देखिए स्टूडेंट्स, वैसे हमने ऐसा लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आप इसकी मैट्रिक्स इजीली बना सको.
ओके, आप इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इजीली कन्वर्ट कर सको। तो यहाँ पे एक्स वन स्क्वेयर जेड क्या है आपका एक्स थ्री, यानी कि ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास एक्स थ्री स्क्वेयर प्लस फोर एक्स वन वाई एक्स टू प्लस एट एक्स वन जेड एक्स थ्री प्लस एट एक्स वाई एक्स टू जेड एक्स थ्री। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म है जिसको मैंने एक्स वाई और जेड को एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, और स्टूडेंट्स बल्कि मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसको फेयर में ना करें, क्योंकि आप इसको अपने समझने के लिए थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करने के लिए आप थोड़ा सा रफ वर्क कर लें इसके लिए कि x इज इक्वल टू एक्स वन वाई इक्वल टू एक्स टू जेड इज इक्वल टू एक्स थ्री। ओके, दिस नॉट ए इंक्लूड इन द फेयर वर्क, इसको फेयर वर्क में इंक्लूड ना करें। ओके, मेरी बात समझ में आ गई ना आपको? ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स इसको अब हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, द मैट्रिक्स ए लेट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कोफिशियंट ऑफ एक्स वन स्क्वेयर, ये थ्री, वन अपॉन टू कोफिशियंट ऑफ एक्स वन एक्स टू, एक्स वन एक्स टू मीन्स टू। ओके, वन अपॉन टू कोफिशियंट ऑफ एक्स वन एक्स थ्री, एक्स वन एक्स थ्री वन बाय टू तो ये फोर। ओके, नेक्स्ट इज वन अपॉन टू कोफिशियंट ऑफ एक्स टू एक्स वन, एक्स टू एक्स वन वन बाई टू, टू वन बाई टू से मल्टीप्लाई करना है आपको, मेरे पास समझ रहे हो ना, टू। और वन बाई टू कोफिशियंट ऑफ नेक्स्ट इज एक्स टू एक्स वन एक्स टू एक्स टू स्क्वेयर, एक्स टू स्क्वेयर इज नॉट अवेलेबल हेयर। देखिए फ्रेंड्स, एक्स स्क्वेयर इज नॉट अवेलेबल हेयर, इट मीन्स जीरो, मीन्स यहाँ पे क्या है जीरो इन टू एक्स टू स्क्वेयर, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको। ओके, जीरो, नेक्स्ट इज वन अपॉन टू कोफिशियंट ऑफ एक्स टू टू एक्स टू थ्री, एक्स टू थ्री मीन्स फोर। ओके, थ्री वन, वन अपॉन टू थ्री वन थ्री वन थ्री वन ये फोर, थ्री टू ये थ्री टू फोर। ओके, एंड एक्स थ्री स्क्वेयर कोफिशियंट थ्री। ओके, तो ये आपकी मैट्रिक्स क्रिएट हो गई इस मैट्रिक्स से जो मैंने रफली वैसे बनाया था और उसको हमने इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। दिस इज योर फेयर वर्क, इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहां से। एक्चुअल में हमारी ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके, सो लेट अस रिड्यूस दिस मैट्रिक्स ए इनटू डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, लिखिए स्टूडेंट्स, लेट अस रिड्यूस गिवन मैट्रिक्स इनटू डायगोनल फॉर्म। ओके, और इनटू डायगोनल मैट्रिक्स, एंड वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, क्या जानते हैं आप कि वी नो दैट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए आइडेंटिटी। जो स्टूडेंट्स आपने ध्यान हो तो नॉर्मल फॉर्म में भी की थी आपने, ये ध्यान आया ना आपको? हाँ, तभी तो हंस रहा है कि हाँ सर ये ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए आइडेंटिटी आपने कहाँ के स्टूडेंट से, नॉर्मल फॉर्म में भी किया आपने। और वही सेम मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे, कौन सा मेथड कि जो ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे रो और कॉलम मिक्स, दिस इज योअर प्री फैक्टर एंड दिस इज योअर पोस्ट फैक्टर एंड दिस इज योअर प्री फैक्टर। तो प्री फैक्टर पे कैसे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशन, और पोस्ट फैक्टर पे कॉलम ऑपरेशन, बट बोथ ऑपरेशन रो एंड कॉलम अप्लाई ऑन दिस मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं एंड अप्लाई करते हैं ऑपरेशन। ओके, तो मैट्रिक्स ये गिवन है आपके पास, तो मैं यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स ऑपरेशन, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए आइडेंटिटी। ये मैंने थ्री थ्री क्यों लिखा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी मैट्रिक्स जो है वो किसकी कितने ऑर्डर की है, थ्री बाई थ्री ऑर्डर की है, तो योर आइडेंटिटी भी कितने ऑर्डर की होगी, थ्री बाई थ्री ऑर्डर की।
तो चलिए स्टूडेंट्स, थ्री ये हमने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, दिस मैट्रिक्स ए थ्री ओके इज इक्वल टू 100010001 ऐसे ए एंड 100010001 ठीक है स्टूडेंट्स ऐसे ओके सो दिस मैट्रिक्स इज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए आइडेंटिटी ऑफ 3x3 ऑर्डर ओके दैट इज चलिए स्टूडेंट्स अब इस पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं एंड राइट डाउन प्लीज योर फर्स्ट ऑपरेशन इज क्या ऑपरेशन अप्लाई करें लिखिए यहां लिख देता हूं मैं स्टूडेंट्स आर टू अप्रोचेस टू आर टू माइनस 2x3 आर वन एक तो सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेशन ये यूज कीजिए ओके सेकेंड इज आर थ्री अप्रोचेस टू आर थ्री माइनस 4x3 आर वन एक ही ऑपरेशन यूज कीजिए ओके तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं एंड नाउ दिस बिकम 3, 2, 4 एज इट इज आर वन आर टू माइनस 2/3 आर वन जीरो ओके आर टू माइनस 2x3 आर वन माइनस 4x3 ओके तो 4x3 अब यहां अप्लाई करते हैं आर थ्री माइनस 4x3 जीरो 4x3 4x3 एंड दिस बिकम 3 माइनस 7x3 ब्रैकेट क्लोज देखिए स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एंड सेम ऑपरेशन अप्लाई ऑन प्री फैक्टर एंड पोस्ट फैक्टर एज इट इज तो चलिए स्टूडेंट्स रो वन एज इट इज 100 एज इट इज आर टू माइनस 2x3 देखिए आर टू माइनस ये 2x3 100 माइनस 4x3 0 1 ब्रैकेट क्लोज ए एंड पोस्ट फैक्टर एज इट इज मीन्स 100010001 देखिए स्टूडेंट्स ओके तो चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं C2 अप्रोचेस टू C2 माइनस 4x3 C1 एक तो ये ऑपरेशन यूज कीजिए आप सबसे पहले 2x3 C1 दूसरा स्टूडेंट C3 अप्रोचेस टू C3 माइनस C3 अप्रोचेस टू 4x3 C1 ये कीजिए फर्स्ट ऑपरेशन इज C2 अप्रोचेस टू माइनस 2x3 C1 ओके सेकेंड इज C3 अप्रोचेस टू C3 माइनस 4x3 C1 देखिए स्टूडेंट्स ये ऑपरेशन क्या होगा देखिए आपके पास नाउ दिस बिकम फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर C1 C2 C3 ओके नाउ हेयर C1 एज इट इज मीन्स 300 देखिए C2 माइनस 2x3 यानी कि माइनस 4x3 दिस बिकम स्टूडेंट्स ओके हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल यहां देखते हैं C2 माइनस 2x3 C1 यहां से 0 यहां देखिए स्टूडेंट्स C2 माइनस 4x3 एंड माइनस 4 बाय
3 एज इट इज, यहाँ देखिए प्लस 4 बाई 3 एज इट इज। चलिए अब करते हैं सी थ्री पे, सी थ्री माइनस 4 बाई 3 सी वन, जीरो, यहाँ देखिए 4 बाई 3 और ये 7 बाई 3 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू, नाउ प्री फैक्टर एज इट इज 100 माइनस 2 बाई 3 10 माइनस 4 बाई 3 01 एंड नाउ ए अप्लाई दीज ऑपरेशन ऑन द पोस्ट फैक्टर 100 फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सी टू माइनस दिस इज माइनस 2 बाई 3 10 एंड सी थ्री माइनस 4 बाई 3 01 ब्रैकेट क्लोज। देखिए फ्रेंड्स, ओके, तो चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन यूज करते हैं। आर थ्री अप्रोचेस टू आर थ्री प्लस आर टू, ये ऑपरेशन यूज कीजिए फ्रेंड्स, आर थ्री प्लस आर टू, ओके। तो चलिए नाउ दिस बिकम, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन कैसा होगा और जो भी होगा आपके सामने होगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए 300 स्टूडेंट्स, मैं फिर आपको बता देता हूँ कि जब आप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स पे तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत सोच समझ के पूरा माइंड को शार्प करके, चाहे हमारा टाइम कितना लग जाए, क्योंकि मैट्रिसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जल्दबाजी में कहीं माइनस और प्लस की गलती कर देते हैं, जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझाने के लिए या समझ लीजिए कैसे भी, तो इसलिए मैं स्लो उसको दे रही ताकि आप लोगों को समझ में आए और ऑपरेशंस एकदम एक्यूरेट फिट लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला ऑपरेशन क्या लगाया हमने, आर थ्री अप्रोचेस टू आर थ्री प्लस आर टू, तो आर वन एज इट इज आर टू एज इट इज जीरो माइनस फोर बाई थ्री फोर बाई थ्री, ओके आर थ्री प्लस आर टू जीरो जीरो, तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया आपका माइनस वन, इज इट क्लियर, ओके ये ऑपरेशन हमारा ए पे लग गया। नेक्स्ट सेम ऑपरेशन अप्लाई ऑन द प्री फैक्टर मीन्स 100 ओके माइनस 2 बाई 3 10 आर थ्री प्लस आर टू, एड करें स्टूडेंट्स माइनस 6 बाई 3 माइनस 2 ओके 1 एंड दिस 1 ब्रैकेट क्लोज, चलिए इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ए, ओके एंड पोस्ट फैक्टर एज इट इज 1 माइनस 2 बाई 3 माइनस 4 बाई 3 0 1 0 0 0 1, देखिए स्टूडेंट्स, ओके तो नेक्स्ट ऑपरेशन सी थ्री अप्रोचेस टू सी थ्री प्लस सी टू, ये ऑपरेशन अप्लाई कीजिए सी थ्री प्लस सी टू, ओके सो हैव यू एनी डाउट, ओके चलिए स्टूडेंट्स दिस बिकम 30 सी वन सी टू एज इट इज 00 माइनस 4 बाई 3 0 एंड दिस बिकम सी थ्री प्लस सी टू 00 माइनस 1, ओके इज इक्वल टू प्री फैक्टर एज इट इज 00 माइनस 2 बाई 3 10 माइनस 2 11 ब्रैकेट क्लोज इन टू ए एंड अप्लाई दिस ऑपरेशन ऑन द पोस्ट फैक्टर 100 माइनस 2 बाई 3 10 एंड नाउ दिस बिकम स्टूडेंट्स C3 plus C2, this is minus 2, okay, 1, 1. Take it, students. Take it.
कितना मजेदार क्वेश्चन हो गया। ओके तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डायगोनल है कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हमारी क्वेश्चंस। ये देखिए ना, देखिए देखिए यहाँ पे -3 -4/3, ये देखिए मैं इसको ऐसे, ये देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ओके, द डायगोनल इज इक्वल टू 3 -4/3 -1, दिस इज डायगोनल इज इक्वल टू P-AP इस फॉर्म में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके सो दिस इज इक्वल टू P-AP मींस x-AX इज इक्वल टू P-AP। ये चलिए स्टूडेंट्स लिखिए, देयरफॉर द कैनोनिकल फॉर्म into quadratic form is, फ्रेंड्स ये चीज समझ में आई आपको? ओके लिखिए स्टूडेंट्स, द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म इज देयरफॉर इस, क्या स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला था आपके पास, y-P-AP-Y इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स व्हाट इज योर y-, मैं इसको ऐसे लिखता हूं स्टूडेंट्स, y1 y2 y3, ओके और P-AP, दिस इज योर P-AP मींस कैनोनिकल फॉर्म, ये कैनोनिकल फॉर्म आपकी, ये दिस इज योर P-AP, ये चीज P-AP, ओके Y-PAP जो आप स्टूडेंट्स आपने क्या लिया था Y-BY, याद कीजिए आप, मैंने कहा था ना कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म ओके इन मैट्रिक्स फॉर्म रिड्यूस टू Y-BY लीनियर फॉर्म इनटू द क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड दैट इज कॉल्ड द That is also called the quadratic form, Y-BY. तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं हो गया, देखिए ना आप Y1 Y2 Y3, और यहाँ क्या आएगा आपका डायगोनलाइजेशन 3 0 0 0 -4/3 0 0 0 -1 ब्रैकेट क्लोज, देखिए ओके एंड Y1 Y2 Y3 मीन्स Y, दिस Y इज Y1 Y2 and Y3 ब्रैकेट क्लोज, देखिए स्टूडेंट्स ओके एंड नाउ मेक इट्स अगेन दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म। मैंने कहा था ना आपको कि x जो है ये भी एक हमारा कैसा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है जिससे कि हमारा जो x1 y1 x2 y, जो हमारा xy और z था या जो x1 x2 x3 था वो किस में चेंज हो जाएगा हमारा Y1 Y2 और Y3 में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे स्टूडेंट्स देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कैसा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 y1 square -4 y3 ओके Y2 square ओके -Y3। सो हैव यू एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म? नो। अब स्टूडेंट्स यहां पे अब आ जाती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर, हियर व्हाट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, दिस इज योर मैट्रिक्स ए, ये आपकी मैट्रिक्स ए थी, इसका रैंक कितना है, हेयर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3, ऐसा है बिकॉज यू हैव 3 नॉन जीरो रोज, यू हैव 3 नॉन जीरो रोज। तो अब यहां पे पेपर में आ जाएगा आपके पास कि फाइंड इट्स इंडेक्स एंड सिग्नेचर, ये एक नई चीज आ गई अब यहां पे कि सर व्हाट इज इंडेक्स एंड सिग्नेचर, कुछ भी नहीं स्टूडेंट्स, कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज इंडेक्स व्हाट इज सिग्नेचर। ओके इंडेक्स क्या होता है, राइट डाउन प्लीज, मैं यहां लिख देता हूं, देखिए इंडेक्स नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म इन
कैनोनिकल फॉर्म इज कॉल्ड इंडेक्स. ये स्टूडेंट्स नंबर ऑफ दी पॉजिटिव टर्म्स इन कैनोनिकल फॉर्म, और यह भी कैनोनिकल फॉर्म है. इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ दी पॉजिटिव टर्म्स, एक ही तो स्टूडेंट जो कि थ्री है और बाकी जो नेगेटिव है -4/3 नेगेटिव, -1 नेगेटिव है. तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स जो आपका हुआ इंडेक्स इज इक्वल टू 1. ठीक है, आई रिपीट अगेन, इंडेक्स मीन्स नंबर ऑफ द पॉजिटिव टर्म इन कैनोनिकल फॉर्म इज कॉल्ड द इंडेक्स. एंड व्हाट इज सिग्नेचर, ठीक स्टूडेंट्स, सिग्नेचर क्या है, लिखिए नंबर ऑफ द पॉजिटिव टर्म इन कैनोनिकल फॉर्म, ऐसे लिखूंगा बल्कि मैं इसको. ओके, माइनस नंबर ऑफ द पॉजिटिव टर्म्स इन द कैनोनिकल फॉर्म माइनस नंबर ऑफ द नेगेटिव टर्म्स इन कैनोनिकल फॉर्म ऑल्सो. देखिए स्टूडेंट्स, ये हाउ मेनी नंबर ऑफ द पॉजिटिव टर्म्स इन कैनोनिकल फॉर्म, 1. And how many number of the negative terms in canonical form? 2-2 is equal to -1. So student, signature kya ho gaya aapka? Signature is equal to -1. Signature is equal to -1. Okay. Dekhiye students, kitna important question tha ye. Keh do sir ki sab maza aa gaya sir aaj to. Maza aa gaya na? So students, agar aap MIS ke channel dekhenge, आप लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे MIS का, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ स्टूडेंट्स मज़ा तो आएगा ही. ओके, तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप करेंगे और इसी टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे. ओके, तो आई होप कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म बहुत अच्छे समझ में आ गई है, जो डेफिनेशन मैंने आपको करवाई है. ओके, जो आर्टिकल मैंने आपको करवाया है, जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं कि हाउ टू कन्वर्ट दी क्वाड्रेटिक फॉर्म इनटू मैट्रिक्स फॉर्म. ओके, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.